मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों दिल्ली के संगम विहार इलाके की भयानक दुर्घटना घटी थी, जहाँ पे एक सिविल डिफेंस में काम करने वाली एक नौजवान लड़की का बलात्कार किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह की घटना आने से पूरे देश में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई। आपने देखा होगा कि इस तरीके की कई घटनाएं, बलात्कार की, हत्या की घटनाएं लगातार सामने आते रहती है, उसके बाद इसका विरोध किया जाता है और फिर ये खबरें, ये कांड ठंडे बस्ते में चला जाता है। आज राबिया सैफी के साथ भी जो व्यवहार किया गया, जो उसके साथ बलात्कार किया गया, घिनौनी हरकत की गई और बाद में उन बलात्कारियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, इसी को लेकर आज यहाँ पे एनसीपी की तरफ से मर्जिया अशरफ शानू पठान ने मुमरा एम गेट पे एक प्रोटेस्ट किया, जो साइलेंट प्रोटेस्ट था। इसमें उन्होंने यहाँ पे राबिया सैफी को यहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की। उनके साथ मौजूद नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख, समाज सेविका संगीता दोने और थाने युति अध्यक्ष पल्लवी जगताप समेत सभी यहाँ पे महिला कार्यकर्ता मौजूद थे। आज उन्होंने इसको लेकर बड़ी ही दुखद चिंता जताई है और उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग सब यहाँ पे जो भी है, मैं, पल्लवी दीदी, संगीता मैडम, जो हमारे फरजाना आंटी, जितने भी सब हैं, हम लोग यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राबिया सैफी जो एक ऑलरेडी डिफेंस ऑफिसर थी 21 साल की, दिल्ली में ऑलरेडी शी इज अ डिफेंस ऑफिसर। सोचो आप, वर्दी में लोगों का अब ये हाल हो रहा है वुमेन का, वो 21 साल की लड़की, वहाँ पे उनके साथ इतना ब्रूटली रेप हुआ और मीडिया में इसका कोई कवरेज भी नहीं है। आप सोचो, एक सिद्धार्थ शुक्ला जो नेचुरल डेथ मरे है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ हर एज, बट पूरा इंस्टाग्राम, मीडिया सब जगह पे सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला चल रहा है। बट आप यहाँ पे देखो, एक महिला की लाइफ की आने कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे इतना गंभीर सिचुएशन हुई उनके साथ, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, नो वुमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अपर लेवल इज रेडी टू टॉक अबाउट इट, नोबडी इज ट्वीटिंग अबाउट इट। अभी बाद में बहुत, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद उसको फायर हुआ वो मैटर थोड़ा, फिर उसके बाद ट्वीट्स वगैरह किए गए, हम भी बाद में ही अवेयर हुए, बिकॉज ऑन द स्पॉट किसी ने कुछ उसके बारे में बोला ही नहीं किया। एंड देन नाउ अगेन आई थिंक ऑन 29th of August एक लड़की का, शी वॉज इवन अंडर एज, उसका 13 लोगों ने रेप किया पुणे में। आप सोचो, स्टेशन पे उनका रेप हुआ, ऑटो रिक्शा वाले थे जिसमें से सात, और फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज ऑफ स्टेशन, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज थे वो स्टेशन के, उन्होंने उसके साथ रेप किया। अलग अलग जगह पे, लॉज में जाके किया, ऑटो रिक्शा में जाके किया उनका रेप, ट्री ये झाड़ के पीछे किया। तो ये सब आप बताइए कि इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई है। ये हिम्मत इसलिए बढ़ गई है बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो ऐसे तो बहुत सारे रूल्स वगैरह हर दिन निकालते रहती है, ऐसे फालतू के रूल्स तो हर रोज निकलते हैं, ये चेंज, वो चेंज, नाम चेंज, ये सब करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मैन्युपुलेट किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन सेफ्टी, नोबडी इज रेडी टू टॉक अबाउट इट, नोबडी इज रेडी टू टेक एनी इनिशिएटिव ऑन दिस। एंड आपले जो गवर्नमेंट आहे, अच्छा मोटो आहे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज मुली शिकते, नाव पण करते आणि प्रगती पण करते, पण मुलीचे जीवची जबाबदारी कोण घेणार आहे हे मला सांगा। आणखी मुली शाळे पण जाते, पण आई आणि वडिलांना फक्त हीच भीती वाटते की आज माझी मुलगी घरी येईल की नाही येईल, सेफ है की नाही आहे। जो ऊपर लोग है दिल्ली, जे लोग बसले वर, तो फक्त कुर्सी गरम करण्यासाठी नाही बसले, त्यांच्या हातात जबाबदारी आहे, उनके हात में पार है, वो हमारे लिए स्टेप्स ले सकते, पर लेता कोई भी नहीं है ये सारी चीजों पे। इसलिए लोग इतना ज्यादा खुल गए हैं, इतना ज्यादा डेयरिंग। आप सोचो, ऑटो रिक्शा वाला खुले में कर रहा है, लॉन्च वाले ने लिया कैसे एक माइनर बच्ची को, लॉन्च में कैसे एंट्री मिल गई। तो आप सोचो, ये पूरा एक स्कैम चलता है, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सब के चीजों में। तो मतलब जब तक के कोई स्ट्रिक्ट रूल या लॉ नहीं पास होगा। एंड वन मोर थिंग, अभी तो मैरिटल रेप को भी सुप्रीम कोर्ट ने यस बोला है। तो आप सोचो, मैरिटल रेप, मैरिटल यानी नाउ वुमेन आर नॉट इवन सेफ विद देयर हस्बैंड्स, हाउ कैन अ लॉ कैन बी पास लाइक दिस। आप सोचो कि मतलब सेक्शन आईपीसी जो सेक्शन 375 है,
उसके अंदर में लिखा है साफ साफ कि विदाउट कंसेंट यू कैन नॉट यूज अ वुमेन सेक्सुअली, राइट। बट उसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू, जिसमें जो मैरिड वुमेन है ना उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है। अब जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट क्लियरली सेज कि कोई भी इंसान इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उनको उनकी लाइफ की प्राइवेसी का और लाइफ की लिबर्टी का पूरा हक है। तो जो इस एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू ऑफ सेक्शन 375, तो ये जो आर्टिकल 21 है उसको तो वायोलेट करता है वो सीधा सीधा। तो ये सब जो एक्चुअल मुद्दे, इस पे बात क्यों नहीं होती है गवर्नमेंट में? जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव अपर लेवल पे बैठे हैं, जो ऐसे तो हर चीज पे इतना बोलते थे, वो क्यों नहीं बोलते कुछ इसके बारे में? तो हम लोग सब इस चीज के बारे में निषेध करते हैं और वी वांट जस्टिस, वी डिमांड जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। और प्लीज जो गवर्नमेंट में इतने पढ़े लिखे लोग भी जो बैठे हैं अगर, तो उनको कुछ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए और जो भी लोगों ने ये सब हरकत की है उनको एकदम कड़क दंड मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। मर्जिया ने इनिशिएटिव लिया है कि सारी औरतें और सारे जो भी लोग है यहाँ पे, जो एक्टिविस्ट है या जनता है, हम सब एक हो जाए और साबिया के साथ जो कोई गैंग रेप हुआ है, जो भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, हम लड़कियाँ अभी खुद का वो एक सिविल डिफेंस ऑफिसर थी और हम अभी खुद सिविल डिफेंस सीखे, ऐसे लोगों को मैसेजेस देते हैं, लड़कियों को बोलते हैं। मैं युवती कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूँ एनसीपी की, मैं खुद लड़कियों को बोलती हूँ आप सिविल डिफेंस सीखो, आप ये करो, आप वो करो, लेकिन हमारे देश में एक सिविल डिफेंस ऑफिसर ही सेफ नहीं है, तो हम कैसे दूसरों को बोले और किसकी प्रेरणा दे? महिला आयोग क्या सो रहा है क्या? आप ऊपर बैठे हो, अगर आपके पार्टी के किसी महिला पे कोई टीका टिप्पणी करता है तो आप सब उस पर टूट पड़ते हो। तो साबिया तो हमारे देश की एक लड़की है, उसके लिए आप कब जागोगे और उसके लिए आप कब कदम बढ़ाओगे? मुझे ऐसे लगता है कि ये राजनीति का जो कोई इन्होंने जो खेल रचा के रखा है सेंट्रल में बैठ के, उसे बंद करें। आप ये नाम बदलना, शहर का नाम बदलना, लोगों से महंगाई बढ़ा के प्राइजेस बढ़ाना, पेट्रोल डीजल की, ये सब पीछे खुद की जेबें भरना बंद करें और यहाँ पे जनता की सुरक्षा और स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दें। ये मैं इस प्रोटेस्ट के जरिए यहाँ के गवर्नमेंट से अपील करती हूँ। नहीं तो आज तो हमने बहुत शांति से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम में से, देखिए औरत को ना दुर्गा माता का रूप भी कहा जाता है, असं मराठीत आमच्या बोलतात की बाई ही दुर्गेचं रूप आहे, ती कालीचं पण रूप आहे, तर तिला प्लीज तुम्ही जागं करू नका। जर ती जागी झाली ना, तर मग तुम्हाला कळेल की तिथे बसून तुम्ही जे लोकांची लूट चालवली आहे ती तुम्हाला मग त्यावेळेला बंद करावी लागेल। तर आम्ही ह्या केंद्र सरकारचा पण ह्यात निषेध करतो आणि ज्या ज्या कोणी हे दुष्कर्म केलंय त्यांचाही आम्ही निषेध करतो। सबसे पहले तो मैं इस घटना के लिए सरकार को ही दोष देना चाहूँ, क्योंकि वो अगर ठोस से ठोस कदम नहीं लेती है तो ये घटनाएं बढ़ती ही रहेगी। अदर्स कंट्री की तरह उनको भी कुछ ऐसे कदम उठाना चाहिए, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए और उनके जरिए कोई ठोस कदम उठा के कोई ऐसा कानून बनाए ताकि रेपिस्ट हजार से लाख मरतबा सोचे कि मैं ये गुनाह करूँ कि नहीं करूँ। ये जो साबिया सेल्फ डिफेंस रहकर भी उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, तो सोचिए कि नॉर्मल लेडीज़ का क्या हाल होगा। वो लेडीज़ कहाँ जाएगी, किसके दरवाजे पे जाएगी? बड़ी बड़ी कुर्सियों पे लेडीज़ भी बहुत सी है, क्या वो इस पर एक्शन नहीं ले सकती? वो क्यों आगे नहीं आ रही है इस चीज़ के लिए ताकि ये चीज़ रोका जाए? सब महिलाओं ने निषेध जताया है कि साबिया मेमन को और साबिया सैफी को और उसके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ये घटना दोबारा कभी ना हो, ये मेरी सब सरकार से अपील। मैडम, कहीं ना कहीं महिला आयोग ने भी इसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनको क्या, उनकी क्या आंखें बंद है? उनकी आंखों पे पट्टी पड़ी है कि उन्हें एक दिखाई नहीं दे रहा है? महिला की सुरक्षा की बात करते हैं वहीं पे महिला ही खामोश है, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज अफगानिस्तान की महिलाओं की फिक्र है हमारी भारत को। हाँ, क्यों भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं जो आपको वहाँ की महिलाओं की फिक्र है? तो बस मैं उनको यही अपील करना चाहूँगी कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारी महिलाओं को इंसाफ मिले। है कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो अपर लेवल पे वो इसलिए चुप है बिकॉज ये उनके गवर्नमेंट का फेलियर है ना। अपनी गवर्नमेंट के बारे में बेचारे चाके भी नहीं बोल पा रहे होंगे क्योंकि उनके जो और ऊपर लेवल है वो कैसे बोलने देंगे उनको। ये साफ साफ गवर्नमेंट फेलियर है। हाउ दे विल स्पीक अपने ही जो बड़े उनके और जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, मेरे को तो ये सोच के हंसी आती है। आप इतने फंडामेंटल राइट्स को तक आप मैनिपुलेट करके चेंज कर रहे हो कुछ भी करके। तो आप ये जो रेप जो हर 16 मिनट्स में होता है, एवरी 16 मिनट्स,
आप उस पर क्यों नहीं करते हो? बल्कि अभी तो कैसे कैसे कुछ भी वाहियात चीज़ें बनते जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को भी हाँ कर दिया है, तो आप सोचो कि महिलाएं अपने घर में अपने पति के साथ भी सेफ नहीं है। आज आपने औरतों के कंसेंट की धज्जियाँ उड़ा दी है, औरतों के कंसेंट का कोई मान ही नहीं है। तो यानी वुमेन आर बींग ट्रीटेड एज जस्ट अ सेक्शुअल ऑब्जेक्ट एंड नथिंग मोर देन दैट। सो इसीलिए मेरी ये डिमांड है कि आप अगर बोलते हो कि हम सब इक्वल है, तो आप क्यों वुमेन को ऐसे साइड ऑब्जेक्ट करके और हमेशा ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हो हर चीज़ में? भाई ऐसा नहीं लगता मैडम कि इस हायर लेयर जो कांड हुआ है उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से? हाँ, मतलब अफकोर्स दबाया जा रहा है, क्योंकि आप देखो ना, जब पुणे में जो क्लास 4 के ऑफिसर्स है रेलवे के, अफकोर्स वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही है, वो जब कर सकते हैं तो पुलिस में भी कुछ ना कुछ ऊपर हुआ ही होगा। उनको कुछ ऑडियोज ऐसी आई है कि उनको पुलिस ने ही बुलाई थी जानकारी के लिए, कोई न्यूज़ के लिए, कुछ चीज़ के लिए, कुछ लोग कुछ उल्टा बोल रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये तो होता ही है, करता कोई और शायद से वो लोग तो ये भी करते कि किसी और को बिठा देते कि आप एग्री करो कि हमने किया, कुछ अपने ही लोगों को बचाने के लिए। मर्जी, जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था तो हमने देखा था कि पूरे देश में एक सैलाब आ गया था और कहीं ना कहीं जाके उनके जो आरोपी थे उनको फांसी मिला। ये राबिया सैफी जी के इसमें एक सैलाब क्यों नहीं आ रहा? एक महिला का जो आक्रोश क्यों नहीं प्रकट कर रही अपना हर एक जगह पे? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? कौन है? बात ये है कि जब भी उस टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे भी आप देखो कि फांसी कितने सालों बाद दी गई, अभी कितने सालों बाद फांसी दी गई। आप सोचो, वो तो जगह पे ही उनका ध्यान तो गया, फांसी कितने सालों बाद दी गई? फांसी तो नहीं दी गई। आज अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया का कोई गवर्नमेंट की कोई चीज़ के खिलाफ बोलता है तो उसको जगह पे अंदर करते, जगह पे उसके ऊपर धाराएं लगा देते, टेररिस्ट बोल देते, उनका लाइफ बर्बाद कर देते, उनको अंदर सड़ा के रखते, उनको नॉन अवेलेबल भी चीज़ें करते उनके साथ अंदर रख के। और यहाँ पे अगर एक इतना लोग मरते रेप के बाद, जो महिलाएं, उनके लिए कोई भी नहीं स्टैंड लेता है, कोई ऊपर से ही नहीं चाहता है कि महिलाओं को इंसाफ मिले। मैडम क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया गया महिलाओं ने, क्या कहेंगे? राबिया ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, मैं तो उसको थैंक्स बोलना चाहूँगी। बिकॉज राबिया सैफी जिसके ऊपर रेप हुआ है, जो रेपिस्ट है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वेदर दे आर फ्रॉम विच रिलीजन, वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, उनको एक फीमेल, बस एज अ फीमेल यूज़ किया जाता है, एक सेक्शुअल ऑब्जेक्ट है, उस तरह से यूज़ होता है। और अपने देश की आज यह हालत है कि पुलिस, मेरी कई पुलिस लोगों से भी बात हुई है जो लेडीज़ पुलिस है, वो ये बोलती है कि जब हम हमारी यूनिफॉर्म उतार देते हैं उसके बाद वी आर ऑल्सो नॉट सेफ दिस कंट्री एंड दिस इज़ फैक्ट, क्योंकि वो पुलिस भी सेफ नहीं है। जब तक वो वर्दी में रहती है तो थोड़े बहुत तो सामने वाला डर जाता है, लेकिन जब वो घर जाने के लिए अपना वर्दी जब निकाल देती है और नॉर्मल सिविल ड्रेस में आ जाती है, एकदम शी इज़ ऑल्सो नॉट सेफ। तो ये क्या चल रहा है देश में? कब बनेगा? कितने हम कैंडल्स जलाएंगे? अब कैंडल्स नहीं जलाना है, वी डोंट वांट टू ब्लो मोर कैंडल्स। इसके ऊपर कोई कानून लाए, इस तरीके की कोई बात? इसकी डिमांड तो हमने पिछली बार भी किया था, हम हर बार करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई सख्त कानून बनता ही नहीं। गवर्नमेंट की मर्जी हो कोई बनेगा, हर चीज़ तो सेंट्रल से ही होती है, सेंट्रल में चाहे के तो होगा। आज वुमेन सेफ है ही नहीं हमारे देश में।